दोस्तों अभी मैं ललदा के साथ आया हुआ था, तो एक और जड़ी बूटी के बारे में ललदा ने हमें बताया। इसका नाम है नैर। तो ये एक प्रकार से क्या है ललदा? ये नैर, धूप ना, धूप धूप धूप, नैर नैर का धूप कहते हैं इसको। सुबह सुबह का नजारा है और ठाला ठोक से हमारी यात्रा अब जाएगी घर को। और कल रात को हमारे टेंट यहाँ पे लगे हुए थे और यहाँ पे रुके थे बाकी कुंडे के यात्री। तो अब धीरे धीरे सभी अपना सामान क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद सीधे निकलेंगे घर की ओर। मजा आया चलो, रात बहुत ठंडा हो गया भाई। अच्छा गौरव कैसा रहा? मजा आया चलो। हर हर महादेव। तो कुछ ऐसा सीन चल रहा है और नीचे देखो बादल काफी खूबसूरत से लग रहे हैं। चलो अब सामान वगैरह पैक करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। यार दोस्तों फाइनली अपनी यात्रा निकल चुकी है यहाँ से। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो। सोची नहीं है लड़कों में यार, मजा नहीं आया। फाइनली कुन वाले चले चुके हैं और लास्ट हम बचे और हमने भी अपनी सर लगभग पूरी क्लोजिंग कर दी है। अब हम भी निकलते, बस लास्ट के बंदे हम ही बचे। हम हमेशा लास्ट में रहते हैं चाचा, कल भी अभी भी। चलो तो यह है तिल्लो का ब्रह्म कमल का पोटली। ये देखो भाई ब्रह्म कमल ही ब्रह्म कमल है। चल उठा, ये तो भाई अभी कम कर दिया है। ये तो कम कम कर दिए है। चलो है तो चलो अब हम भी निकलते हैं। बैग लगाओ फटाफट निकलते। तो यार भैया आज होने वाला है ब्रह्म कमल की भयंकर वाली यात्रा भाई, मजा आने वाला है। ए तो चलो गलत टेंट था कंप्लीट। ओके चलो फिर चलते हैं। चलो चलो यार तो यार दोस्तों फाइनली हम घर जाने लग गए हैं और अभी हम पहुंचे हैं थाला बुग्याल पे। देखो भाई काफी खूबसूरत बुग्याल है ये। ये अपने पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का पड़ता है भाई। ये देखो कितना मस्त बुग्याल है। तो यार दोस्तों अभी मैं ललदा के साथ आया हुआ था, तो एक और जड़ी बूटी के बारे में ललदा ने हमें बताया। इसका नाम है नैर। तो ये एक प्रकार से क्या है ललदा? ये नैर, धूप ना, धूप धूप धूप, नैर नैर का धूप कहते हैं इसको। अच्छा धूप कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ। एक मासी, गोगल, गोकुल और नैर। नैर उपाड़ी ना, उपाड़ी ना, कोट नहीं है, सब वही है, पूरा वही। ये वाला वही। तो ये भाई बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इससे, तो इसको घी में भी मिक्स करने के बाद इसको भी
बहुत अच्छी खुशबू लाई जाती है और देवी देवताओं को ये सुनाया जाता है भाई। जगह खाना नहीं है इधर। तो दोस्तों फाइनली हम नहर लेके भी आ गए। तो आज ना भाई मैं तीन प्रकार के धूप लेके आया, क्या टोटल तीन प्रकार की इस यात्रा के दौरान, और तीन प्रकार के धूपों के बारे में भी जानकारी मिली। ये है तीसरे प्रकार का धूप नहर। ये दाजी भी लेके आ गए, बहुत बहुत बढ़िया। ये देखो अब जाने लगे, यात्रा भी स्टार्ट हो गई है, तो निकलते चलो। चलो ए चलो लड़का चलो। तो कुंड के प्यासे यहाँ अपनी प्यास बुझा रहे हैं, देखो भाई। तो यार दोस्तों फाइनली अपनी यात्रा पहुँच चुकी है चौरी धार पे, और यहाँ पे छान वगैरह है, और छान वालों ने भाई चाय की व्यवस्था की गई है चौरी धार पे, और वहाँ पे सभी जितने भी यात्री हैं वो सब विराम कर रहे हैं, और हम अभी पहुँचे नहीं हैं। थोड़ा सा 50 मीटर का फासला और बच गया है, उसके बाद चाय का आनंद उठाएंगे, चाय का लुत्फ़ उठाएंगे। ये देखो तो दगड़ियों यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुंड से आने के बाद लगाया जा रहा है टीका। गुरु इधर से लगा दो, बहुत टाइम हो गया। सर दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं लिपुधार में, और नहा धोने के बाद पंडित जी टीका लगा रहे हैं और रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, और जो भी ब्रह्म कमल लेके आए थे ना सभी एक दूसरे को आदान प्रदान करके फिर यहां से आगे की ओर निकलेंगे। और चाचा ने देखो कितने ज़्यादा फूल तोड़ के लाए हैं, बधाई है, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। माता दुर्गा माता का कृपा है, सही बात है, इसीलिए मिले नहीं तो कहाँ से मिलते। तो फाइनली यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है भैया, और लगभग सभी को फूल वगैरह मिल चुके हैं। चलो चलो जोर से बोलो जय माता दी, सारे
पता नहीं सकता।
फाइनली अपने नंदा कुंडी की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा ना भाई, नेक्स्ट लेवल वाला आएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल, और माता रानी आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखे भाई। जय मानंदा भगवती।